हमारे एसपी आकाश अभिषेक निगांको उमा सोरेन पूर्णिया जिला परिषद का सभापति सुधीर बैनर्जी इंद्रजीत सेन हमारे एसपी आकाश डीआईजी हमारा डीपी है राजस्व रेलवे और बहुत सारे हमारा ईमेल भी है जाने माने अतिथि झारखंड से पूर्णिया से या बांकुड़ा से और बहुत सारे जगह से है। मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगी कि आज आपका ये मीटिंग का अवसर पे आप लोगों को शायद मिलने का एक मौका मेरे को आप दिया है और मिलने का मौका मिला है, इसके लिए मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करनी चाहूंगी। आप लोगों के पास मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं डीएम को बता देना चाहूंगी हमारे एसपी को जैसे आपको भी आमंत्रित किया है, हमारे डीजी साहब धीरेन्द्र जी भी है, बहुत सारे पीएम भी है, डीपी भी है, राजीव भी है, अभिषेक भी है, शांतिराम महातो भी है, शंकरानंद भी है, राजीव सुरेन भी है, सब पूरा सबको इधर में बुला के हम लोग को आपका जो रेस्पेक्ट किया है इसके लिए मैं आप लोगों को आभार आभार आदमी का ओर से मैं आपको आभारी प्रकट करती हूँ। चाहे पूर्णिया हो, चाहे बांकुड़ा हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे एमपी हो, चाहे पंजाब हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, हमें हिंदुस्तानी है और हर जगह के लिए हमें कभी सोचना ही नहीं है कि क्या हम बंगाली कहने वाला हूं, बंगाली बोलने वाला हूं, इसी के लिए राजस्थान हमारा फ्रेंड नहीं है। हम कभी सोचते नहीं है कि बिहार का आदमी हमारा से दूर है। हमें कभी सोचना ही नहीं है कि यूपी हमारा बहुत से दूर है। हमें कभी सोचना ही नहीं है कि झारखंड हमारा दूर में है। हम कभी ये बात सोचते नहीं है। हम लोग छोटा से जब राजनीति में नाम लिखाया तो हम पहले पार्लियामेंट का मेंबर हो चुका था, सात दफे हम पार्लियामेंट का मेंबर रह चुका, चार दफे मैंने केंद्रीय सरकार का रेल मंत्री दो बार मैंने रह चुका, कोल माइंस में भी काम किया, यूथ स्पोर्ट्स में भी काम किया, वुमेन चाइल्ड में भी काम किया। मेरे को काम करने का हकीकत जो है इजाजत भी मिला है और काम करते करते मैं देखा है पूरा पार्लियामेंट को, पूरा हिंदुस्तान का रूप में। आज मेरे को ये बात आज कहने के लिए नहीं है, हम लोग पूरा सब कुछ करते हैं, पूरा देश हमारा सामने आ जाता है। हम कभी ये नहीं सोचता है कि आप जो बंगाल में रहते हैं, चाहे पूर्णिया में हो, चाहे बांकुड़ा में हो, चाहे आसनसोल में हो, चाहे सिलीगुड़ी में हो, चाहे कलकत्ता में हो, जो भी जगह में आप रहते हैं, ये आपका जगह है, ये हमारा जगह से ज्यादा आपका दिल का जगह है। लेकिन आप लोगों ने एक घर है, एक जन्म स्थान है, एक जगह से आप लोगों ने आए हुए है, उसको जो इज्जत और आप भी नहीं करते हैं, तो इसी के लिए हम लोग सब बराबर आप लोगों को रिश्ता रहे, अच्छा रिश्ता बना रहे, एक हम लोग कर्तव्य चाहते हैं। आप कहिए, जैसे हमारा झारखंड का एक भाई कह रहा था कि देखो हम अगर झारखंड में बिजनेस करते हैं तो हमारा दिक्कत होता है,
नहीं है, इसीलिए बिहार का साथ हमारा रिश्ता है, झारखंड का साथ है, राजस्थान में हमारा जितना मारवाड़ी समाज है, बराबर नहीं है। मैं जब रेल मिनिस्टर थे तो आज भी पुष्कर श्री पुष्कर ये सब रेल मैंने बनाया था, नया लाई आज भी मैंने स्टेशन बनाया था, पुष्कर में जो स्टेशन बनाया था एक जगह से आधा गाँव एक जगह पूरा काम मैंने किया था। मैं कलकत्ता से 4-5 इंच नीचे हम राजस्थान में किया, पंजाब में किया था, अमृतसर में, राजस्थान में किया था, बहुत सही किया था। आने वाला दिन भी मौका आएगा तो जरूर आपका बात आप ध्यान से करेंगे, इसको बात में वो हमारा दिल में दिल का बात रहेगा। आप लोगों को जो दिक्कत है जो खुद का बारे में बोला है, मैं चाहूंगी कि डीएम एक अपॉइंटमेंट कर दे फूड मिनिस्टर का साथ, तो फूड मिनिस्टर आपका साथ बातचीत कर ले, फूड मिनिस्टर बातचीत कर ले और वो बातचीत करके आप लोगों को जो दिक्कत है आप उसका साथ बात करिए। हम जो कर सकते हैं वो हम जरूर करेंगे। हम कभी एक बार कहते हैं और वादा भूल जाते हैं ऐसा लोग नहीं है। हम अगर कोई वादा करते हैं हमें करेंगे तो हम जिंदगी देके भी करने के लिए तैयार है। हम वो लोगों का साथ नहीं है जब चुनाव का पहले एक बात करते हैं और चुनाव का बाद में कोई दूसरा बात करते हैं, हम उनका साथ नहीं है। हम ये जरूर कहना चाहूंगी कि हमारा दिन जो है क्या है वो काल का कहानी, क्या है वो आज का कहानी, सच्चा दिल में यही याद रखना है। जो कहने बहुत आसानी होता है, करने इतना आसानी नहीं होता है। चुनाव का पहले हम कुछ करें, चुनाव का पहले कुछ बोले वो हम नहीं करते हैं। अब देखो झारखंड में अभी भी माओवादी बहुत है, छत्तीसगढ़ में है, कितना लोगों को डराते हैं, कितना लोगों को पूर्ण निकालते हैं, लेकिन आम प्राउड से हमारा बंगाल में नहीं है। हम झारखंड चाहे झारखंड हो, हमारा पुरुलिया हो, हमारा बाकुड़ा हो, जो हमारा जंगल महो, एक दिन मैंने खाली आंसू देखा, खूब देखा, जब कोई आदमी नहीं आते थे मैं अकेले आते थे और मैं देखते थे कि आप खून गिरते थे, और आज जो खून पुरुलिया में गिरते थे, जो खून बाकुड़ा में गिरते थे, जो खून आज खून ने आज डेवलपमेंट हो गया है, आज जनता ने आज रोशनी की माफी के रोशनी निकाल के आ गया है, जनता ने खुश है। आपको इसको देखने अच्छा लगता है? आप लोगों ने बोलने में ऐसे कहा लेकिन मैं कह सकती हूँ आज व्यापारी लोगों को बिजनेसमैन को बहुत दिक्कत है हिंदुस्तान में। आज डर से लड़ते हैं डरने के लिए, जो बिजनेसमैन है डरते हैं, कभी घर में सीबीआई के मामला आ जाएगा, ईडी तो नहीं आ जाएगा, इनकम टैक्स तो नहीं आएगा, पहले कभी ये डर नहीं था। दिमाग से और आपको दिन से आप बिजनेस करते थे, आज डर है, आज घबरा जाता है, सुबह से चिंता करते हैं क्या होगा, बैंक में रुपया रख दो उसका कोई सियोरिटी नहीं है, वो बैंक का रुपया आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। डिमोनेटाइजेशन का नाम पे जनता का बिजनेस बर्बाद हो गया, बेरोजगारी बढ़ती गया है, छोटा व्यापारी को बिजनेस बंद हो गया है, मझारी व्यापारी जो है, बड़ा व्यापारी जो है उसको भी बिजनेस बहुत सारे बंद हो गया है, बहुत सारे आदमी जो देश से चला गया है, देश से बाहर चला गया है, इतना दुखी है। आप पूछिए राजस्थान में पूछिए तो आज तो जिसका केंद्रीय सरकार है बीजेपी का कोई सपोर्ट नहीं करते हैं, पूरा हारेगा राजस्थान। मैंने भी सुना कि चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो हर जगह में हाल खराब है। मैं तो चुनाव में नहीं गए हैं उसका साथ, इसलिए मेरे को पता नहीं है पूरा, लेकिन मैं जो सुनती है जो सुन रहा है वो सुन रहा है कि ये लोग जाएगा तो जाएगा, ऐसा कभी नहीं चलेगा। देश पहले भी जो चला, देश आजादी का पहले भी चला, देश का नेता कैसा होता है
माहौल कहते हैं आओ किसी को पसंद नहीं होगा तो ठीक है कुछ बोलते नहीं है लेकिन चुपचाप बोल के बदल देते हैं लेकिन देश का नेता कभी ऐसा नहीं होगा जिसको देख के लोग डरते हैं अभी तो देश का नेता ऐसा आ गया है जिसको देख के डरता है सुबह में भूख सका देने से डरते हैं शाम को डरते हैं दोपहर को डरते हैं माँ का ही भूल जाओ हमारा माँ वो एक घर का लक्ष्मी है पहले मतलब संसार से रुपया लेके थोड़ा बचा के आटा दिला देता था कभी गार्जियन का फैमिली मेंबर का कोई प्रॉब्लम होता है दिक्कत होता है तो और से रुपया निकाल के देते हैं लक्ष्मी का भंडार होते और आज उसको भी लूट लिया है लक्ष्मी का भंडार भी चला गया है खाली बोलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसा नहीं है एडवर्टाइजमेंट है हमारे
जैसे हिंदुस्तान तो भी हिंदुस्तान होता है, हमारा शरीर का माफी या पूरा देश को छुड़ा जाता है, एक एक कम्युनिटी का साथ, एक एक क्लास का साथ, एक एक राज्य का साथ, एक एक शहर का साथ, एक एक गांव का साथ, एक एक दिन का साथ, एक एक दृष्टि का साथ, एक एक समाज का साथ। कभी होता है आज हिंदुस्तान जब आगे बढ़ते हैं, हिंदुस्तान का जनता जब आगे बढ़ता है तो भी हिंदुस्तान आगे बढ़ता है। तो इसके लिए एक कहावत है कि रोशनी चाक से होता है, सितारों से नहीं, मौत और दिल से होता है, बातों से नहीं, जो मौत और होता है वो दिल से होता है। इसके लिए आप लोगों का सोचने में कोई बात नहीं है, हम बंगाली भी कहते हैं हिंदी अच्छा नहीं कह सकती हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा काम चलाने के लिए तो कह सकती हूँ, इसमें कोई इतराज नहीं है, इतराज का कोई बात नहीं है। मैं पंजाबी भी थोड़ा थोड़ा कह सकती हूँ, हम थोड़ा थोड़ा यूपी का लैंग्वेज भी समझती हूँ, आपका राजस्थान मधुबनी जो आप पेंटिंग दिया है, मधुबनी का भाव भी मैं समझती हूँ, भोजपुरी भी समझती हूँ, क्यों नहीं समझेगा? हमारा बंगाली लैंग्वेज का साथ चाहे उड़ीसा हो, चाहे राजस्थानी हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे पंजाब हो, खाली साउथ इंडिया छोड़े पूरा सिमिलरिटीज है। आप बंगाल जो है उसका संस्कृत वर्ड, केरला का संस्कृत वर्ड भी हम समझते हैं, हम खाली तमिलनाडु का लैंग्वेज भी समझ सकते हैं, लेकिन Bolsa.